क्रिस्टल, वेलकम टू आई डब्ल्यू एम बस। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस सॉन्ग, दिस न्यू सॉन्ग ऑलरेडी ट्रेंड पे चल रहा है यूट्यूब पे, फैंस काफी ही पसंद कर रहे हैं ये गाने को, तो क्या बोलना चाहोगे जो प्यार मिल रहा है फैंस से? इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, गाने को अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम बिफोर एंड नाउ आई हैव गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो बड़ा मजा आ रहा है। यस, तो जब आपने एक बेवफा का ये जो गाना सुना तो आपको कितना अच्छा लगा ये गाना सुन के? नो, फर्स्ट वर्जन की याद आई, जो ओरिजिनल है उसकी याद आई जब आपने ये जी गाना बिल्कुल, सुना? जी बिल्कुल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये गाना सुनो और ओरिजिनल की याद ना आए। इट्स दिस सॉन्ग वाज आइकॉनिक इन इट्स टाइम एंड राइट नाउ आई लव द न्यू सॉन्ग आल्सो दैट वी हैव मेड डिप्स विद न्यू लिरिक्स। देयर आर फ्यू न्यू लिरिक्स एंड यू नो एवरीथिंग इज मोर मॉडर्न, मोर टुडेज टाइम एंड यू नो आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ करीना कपूर, अक्षय कुमार, यू नो ग्रोइंग अप आई वुड लव टू हियर दिस सॉन्ग, सो जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट इज रियली नाइस। ओके, सो जब ये जब गाना शूट किया जा रहा था तो व्हाट वाज दैट वन थिंग यू लव अबाउट द सॉन्ग, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉन्ग? आई लव्ड अबाउट द सॉन्ग दैट कि एक लड़की भी बेवफा हो सकती है। यू नो यूजुअली दे शो कि मेन आर द यू नो मेन आर चीटिंग, मेन आर डूइंग व्हाटएवर, बट इट्स आई मीन इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इक्वल्स टुडे। सो आई लाइक द कॉन्सेप्ट अ लॉट। ऑब्वियसली आई लव्ड हाउ इट वाज डायरेक्टेड बाय आदिल शेख। आई थिंक यू नो ही रियली पुट हिज हार्ट इनटू इट एंड गॉट द कोरियोग्राफी टीम राइट, गॉट सम flashes right, you know he did it, he went to the details of it. So storyline mein aisa lag raha hai ki music video bhi hai ye aur ek short film bhi hai jahan pe ek story chal rahi hai. So I think the most common request that I have got is iska part 2 kab aayega. जी, मेरा भी यही सवाल था कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल सॉन्ग्स के भी पार्ट्स आ रहे हैं, तो क्या ये सॉन्ग का भी पार्ट टू आएगा? बिकॉज द जैसे कि सॉन्ग एंड हुआ है तो उससे ऐसा लग रहा था, तो ऐसे कुछ प्लानिंग? आई थिंक ये टिप्स से पूछना पड़ेगा हमें। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ पार्ट टू एज वेल बिकॉज यू नो इट इट्स व्हेन टिप्स कम्स इनटू द पिक्चर एंड कुमार तुरानी कम्स इन द पिक्चर एवरीथिंग बिकम्स रियली बिग ग्रैंड एंड यू नो इट इट मैटर्स, द पोर्टल मैटर्स वेयर इट्स कमिंग। सो टिप्स ऑफिशियल यूट्यूब पेज रियली प्रमोट्स इट, रियली मेक श्योर दैट द क्वालिटी इज गुड इनफ टू बी पुट ऑन देयर प्लेटफॉर्म। So for sure, I would love to be a part of part two. Okay, so Crystal, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल कई सारे म्यूजिक एल्बम्स आ रहे हैं, ये दौर चल रहा है म्यूजिक एल्बम्स का जहाँ हर एक सिंगर्स और आर्टिस्ट को अपना इनर टैलेंट दिखाने का एक मौका मिल रहा है। How you are appreciating this thing? I think you know individual music was very big even back in the day. I remember Sonu Nigam with tu kab ye jaanegi and individual music made the singers who they are. So even with this song with Sameer Khan in it, singing it, singing this version of it, it's giving him a chance to come out there with his kind of music, with his voice. And of course we are just faces to this voice, but you know individual music is very important because artists like singers, they get to showcase their variation, their talent in so many ways. And honestly, in today's time, watching a film with music in it is very different. But when you go and you watch songs like this, you have a film in a song because there's a story in a song. So it's very a short film kind of a feeling. Even for the singer, for the artist, everyone is happy and the audience gets to watch a mini film. Even actors are getting new opportunity apart from doing shows or movies. They are growing up through the songs also. So how much you are loving doing the music album? कितना मजा आ रहा है music album करते हुए? अलग अलग variation Crystal के देखने को मिल रहे हैं हमें इस दौरान. Correct. ये मेरा तीसरा music video है. You know I did one Punjabi music video with Sukhi. I did one with Sachin Jigar recently, and now this is my third music video with Tips. And all three are very different from each other. So for me as an actor, when I get to showcase very different sides of me, just as the
music composers are doing, just as the singers are doing, everyone, you know. So for me, it's a very good thing, even in these tough times, to be a part of different projects and be out there, be entertain the world while they're sitting at home. ओके सो जब भी हम एक बेवफा का नाम लेते हैं तो एक चीज क्या आपके दिमाग में क्लिक होता है या क्या चीज याद आती है जब भी बेवफा का वर्ड लेते हैं तो मेरे दिमाग में यही गाना आता है लाइक इवन व्हेन यू से द वर्ड बेवफा इट्स एक बेवफा है यू नो वो ट्यून है ही वो बचपन से अगर किसी ने बेवफा बोला है तो या तो वो आता है या तो एक नोट पे आता था ना अक्षय कुमार का गाना एक नोट पे वो वायरल हुआ था ना कोई तो बेवफा है सोनम गुप्ता बेवफा है करेक्ट वो भी आता है दिमाग में जब बेवफा बिकॉज इट वॉज सो वायरल that wo note har jagah jata tha and I think you know that is something that comes to my mind I know it makes no sense but that's something that went really viral so with that word only that comes to my mind okay so crystal jab baat kiya jaye chehre bhi jald aane wala hai to uski preparation kaisi chal rahi hai uske liye aapne kitni sari taiyari kar chuki hai chehre was supposed to release in April yeah. but due to the pandemic there's again a push in the date for the second time So, अभी तो हम कोई प्रेपरेशन कर नहीं रहे हमारी फिल्म फुल्ली शॉर्ट है वी आर रेडी टू रिलीज इन द थिएटर तो वी आर वेटिंग कि थिएटर्स वापस खुल जाए थिंग्स थोड़े से नॉर्मल हो जाए थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है हमारे कि थिंग्स बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम थिएटर्स में आएंगे एंड दैट्स व्हेन वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट ओके सो एनी अदर प्रोजेक्ट्स इज कमिंग ऑन द वे right now it's only ek bewafa hai and chehre we will be looking forward to soon so till then I'm taking a break I'm also quarantining and chilling on my own okay Crystal thank you so much for giving your precious time and all the best for the chehre and for the ek bewafa hai all the best thank you so much thank you so much thank you bye bye